एक सवाल है, एक प्रश्न है जो अक्सर आपके मन में भी रहता होगा कि आपको कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए, कैसे, किस विधि के साथ। तो ऐसे में किस व्यक्ति के लिए कौन सा यंत्र फलदायी साबित हो सकता है, सीधे हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, क्या अलग अलग परिणाम के लिए व्यक्ति को अलग अलग तरीके का यंत्र स्थापित करना चाहिए? कहते हैं ना, जैसा देवता वैसा आसन। आपका लक्ष्य जैसा होगा उस तरह का साधन आपके पास होना चाहिए। जिस तरह का आपका लक्ष्य होगा उस तरह का आपका साधन होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से जो लोग धर्म में, आध्यात्मिक गतिविधियों में सफलता चाहते हैं, उन्हें गीता, गायत्री, राम रक्षा, मत्स्य या श्रीहरि विष्णु का यंत्र सुफलदायी हो सकता है। नाना प्रकार की चिंता, कष्ट और डर से मुक्ति के लिए हनुमान, भैरव, गणेश और दुर्गा यंत्र का स्थापना सर्वोत्तम मानी गई। लंबी बीमारी से बचने के लिए, विरोधियों से रक्षा के लिए, जीवन पर संकट से उबरने के लिए बीसा, बगलामुखी या महामृत्युंजय या महाकाली यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव है, संतान सुख नहीं है, तो संतान गोपाल यंत्र, कनक धारा यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। विद्या, ज्ञान और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए गुरु यंत्र, सूर्य यंत्र, गणपति यंत्र और सरस्वती यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।